जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, इसका पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, तो पहले आप उसको देख लीजिए। तो उसमें क्या था कि मैंने 999 जितने ऊपर नंबर थे उतने नीचे थे उसका हमने मल्टीप्लाई किया था। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जिसमें 9994 या 3 है, तो अगर ऑड इवन नंबर है, जैसे भाई 9 इधर जाता है या नंबर कम है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देखिएगा आपका क्वेश्चन है 9999 और इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, मतलब 9999 का मल्टीप्लाई 348 से करना है। तो आप कैसे करें, तो ध्यान से देखिएगा। यूं आप एक सेकंड में यूं कर सकते हैं चुटकियों में, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिएगा क्या करते हैं, उसमें पहले सबसे पहले आपको इसमें से 1 माइनस करना रहेगा, तो ये आपको हो जाएगा 347 इतना है। अब इसके बाद क्या करते थे हम, 9 में से सभी चीज को माइनस करते थे, तो आप देखेंगे इस 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 9 कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, तो यहाँ पे 9 में 0 जाएगा क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाए कितना बचेगा आपका, ये 6, 9 में से 4 जाए कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, और आखिरी नंबर को आपको 10 में से माइनस करना होता, तो 10 में से जाए कितना बचेगा आपका, 2। ये आपका आंसर आ गया 347965 2। तो इतने सिंपल तरीके से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम और क्वेश्चन ले लेते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको मल्टीप्लाई करनी हो 9999 में 847 की, तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, पहले 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 847 ये हो गया। अब आपको करना क्या है, 9 में से इसको माइनस करेंगे जो नीचे नंबर लिखा रहता है, तो 9 के अकाउंट में कुछ भी नहीं है तो 9 ही आएगा, 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, 9 में से 5 जाएगा तो, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और आखिरी नंबर को 10 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल, सरल और साधारण था जो आपने देखा। अब इसी तरीके से मैं आपको ये तो था कि एक ही गैप, ज्यादा गैप होंगे तो कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो 9999999 का 3482 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 का गैप है, तो बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा 1, इसका आगे बढ़े तो जाएगा 3481, ठीक है। अब आप देखेंगे इस 9 के, अब हम क्या करते हैं इस नंबर को 9 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 9, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 9, और अगर ऐसे और भी नंबर तो उनके नीचे भी 9, जैसे 9 एक्स्ट्रा होते हैं तो सब हम यहाँ लिख देते हैं। तो 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1, और आखिरी नंबर कितने में से माइनस करूंगा मैं, 10 में से, तो 10 में से 82 जाएगा कितना बचेगा, 8, तो आपका 3481996518 आपका आंसर है। समझ में आ गया आपको, बहुत सिंपल था, कोई टफ नहीं था। तो इसी तरीके से जो हमारा पार्ट टू था, जो 9999 वाला मल्टीप्लाई का, सेम डिजिट हो या फिर ऊपर नीचे दोनों सेम हो या फिर दोनों सेम नहीं हो, तो पहले वीडियो में दोनों सेम वाला था, इसमें सेम नहीं होने वाला है। तो गाइस इसी के साथ ये दूसरा वीडियो भी, पार्ट टू भी इस वैदिक मैथमेटिक्स का फिनिश होता है। तो ये जो वीडियो से आपका कैलकुलेटर बहुत ज्यादा फास्ट बनाएंगे, तेज बनाएंगे, तो इसी तरीके से आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें, अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपका इंक्रीज होगा। और तीसरी चीज ये, अगर आप मुझे कुछ क्वेरीज आपको है, कुछ डाउट आपको है, तो आपको लगता है कि मैं कहाँ पूछूं, तो मैं कॉमेंट में, अगर आपको डाउट नहीं पूछ रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट डीएम करें, मैसेज करें, वहां पर मैं पूरे मैसेज देखता हूँ, अगर उसमें कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है। और इसी के साथ साथ आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।